दिल्ली छात्र 15 स्वयं को रोकता है, माता पिता दो शिक्षक यौन उत्पीड़न कहते हैं। 9 वर्ष की 15 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। वह कथित रूप से उसकी परीक्षाओं में विफल रही थी। नोएडा में एक कक्षा 9 छात्र ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। उसके माता पिता ने उसे मंगलवार की शाम को छत पंखे से लटका पाया। 15 वर्षीय इकिशा राघव शाह के परिवार ने दो शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रथम जांच रिपोर्ट। प्राथमिकी, नाम राजीव सहगल और नीरज आनंद, जिन्होंने मयूर विहार के एक निजी स्कूल में एसएसटी को पढ़ाया था। मयूर विहार में कक्षा 9 के छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिवार ने छात्र की आत्महत्या के लिए स्कूल को दोषी ठहराया। किशोरी कथित तौर पर उसकी परीक्षा में विफल रही थी। इकिशा के पिता ने पुलिस को बताया कि उसने दो शिक्षकों से यौन उत्पीड़न की शिकायत की है और यह जानबूझकर परीक्षा में उन्हें विफल कर देगा। उसने मुझे बताया कि एसएसटी शिक्षकों ने उसे अयोग्य तरीके से छुआ था, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वे ऐसा नहीं कर सकते, यह एक गलती हो सकती है। लेकिन उसने कहा वह उनसे डरे हुए हैं और चाहे कितनी अच्छी तरह वह लिखते हैं, वे उसे विफल कर देंगे। तबाह, पिता ने कहा। पिता ने आरोप लगाया है कि दो स्कूली शिक्षकों द्वारा लड़की को परेशान किया गया था, जो परीक्षा में उन्हें नाकाम रहे। जानबूझकर बाल यौन उत्पीड़न कानूनों और आत्महत्या की उत्तेजना के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और आगे की जांच चल रही है। अरुण के सिंह ने कहा। एसपीसीडी नोएडा अधिकारी ने बताया कि जांच अधिकारी आज भी स्कूल जाएंगे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। स्कूल सीबीएसई की पदोन्नति नीतियों का पालन कर रहा है। मुझे यह स्पष्ट करने दो कि वह विफल नहीं हुई है, फिर से परीक्षण किया गया था। स्कूल के प्राचार्य ने दावा किया कि अधिकारियों ने जांच के साथ सहयोग किया। एजेंसियों, किशोरी के माता पिता कल बाहर गए थे और वह अपने घर में अकेले थे। जब वे कुछ घंटों बाद वापस आ गए, करीब 6 बजे उन्होंने पाया कि लड़की के कमरे में बंद है। दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने उसे फांसी पाया। लड़की के पिता और भाई ने तुरंत कैलाश अस्पताल ले जाया, लेकिन डॉक्टर उसे पुनर्जीवित नहीं कर पाए। किशोरी एक अच्छा कथक नर्तक था और शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षण था, उनका परिवार कहता है।